सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं रात को ही वीडियो बना रहा हूँ और पता नहीं जूम पे क्या अननोन एरर अकर हो गया है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था करेंटली, द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, उसका मैंने फर्स्ट लेक्चर पोस्ट कर दिया है। सेकंड लेक्चर में उसके जस्ट बाद पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का। जो ये वाली स्लाइड पे हम चल रहे थे, ठीक है, एरर की वजह से वो वीडियो बीच में कट हो गई थी, ठीक है। अब मैं आपको इससे आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को, ठीक है। मैं आपको बात कर रहा था यहाँ पर, आप लोगों से मैं यहाँ पर बात कर रहा था रिगार्डिंग दिस, कि कैसे कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और पढ़ते पढ़ते हम लोग आ चुके थे यहाँ तक, जिसका कि अरे एक मिनट, तो मैंने आपको वेन्स, आर्टरीज और इसके बारे में बता रहा था, ठीक है। और मैं बात कर रहा था वॉल्व्स के ऊपर। तो देखो भाई, वॉल्व्स क्या काम करते हैं? वॉल्व्स बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं वॉल्व्स। जैसे कि आप लोग के लिए एक कॉमन से एग्जांपल, आपने टायर देखा होगा, टायर में टीप देखी होगी, उसमें वॉल्व लगा हुआ होता है, ठीक है, वॉल्व लगा हुआ होता है। अब ये बैक फ्लो को कैसे प्रिवेंट करता है, उसको सुनिए ध्यान से। हम इसमें एयर एक तरफ से तो लोड कर देते हैं, हम इसमें एयर एक तरफ से लोड कर देते हैं किसी भी मशीन के थ्रू या कैसे भी, लेकिन जैसे ही टाइम आता है इसके बैक फ्लो का, तो ये तो फिर ये वापस नहीं आ सकता। इसमें से एयर जो है, एयर जो एक बारी अंदर जा चुकी है, वापस से बाहर नहीं आती है। तो यही तो काम करता है ये जो यहाँ पर मौजूद है वॉल्व। तो मैंने आपको बहुत ही लोकल एग्जांपल देकर के समझाया है, ठीक है ना, एंड आई होप आपको पता चलेगा कि वॉल्व क्या काम करते हैं। ऐसे ही जो ये वॉल्व्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं वेन्स के अंदर। कहां पर होते हैं? वेन्स के अंदर। ऑलरेडी वेन्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ही लो होता है, और आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो हाई होता है, ठीक है। अब लो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वेन्स में अगर ये वॉल्व्स नहीं होते तो ये ब्लड जो है, जो एक बारी ऊपर चला गया वो वापस नीचे भी आ जाता, और ब्लड का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। सो टू एनहांस द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस वॉल्व्स आर नेसेसरी, ठीक है ना, इसीलिए वॉल्व्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो वॉल्व्स किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? वेन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज के अंदर एबसेंट होती हैं, और कैपिलरीज के अंदर भी एबसेंट होती हैं, ठीक है जी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फिलहाल आगे चलते हैं इसके बाद, और पढ़ते पढ़ते हम लोग देखो कहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। और मुझे क्योंकि ये लेक्चर ओवर करना था और आप लोग को प्रॉपर नॉलेज देनी थी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की, तो ये सेकंड वीडियो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात कर रहा हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है कैसी। तो देखिए भाई, ह्यूमन हार्ट जो है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उसको आप देखिए ध्यान से, देखिए जी ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए, ह्यूमन हार्ट में जो चार चेम्बर हैं, ह्यूमन हार्ट की जो वॉल है, ठीक है ना, जो लेयर है ह्यूमन हार्ट की, जो ह्यूमन हार्ट को बचाता है, उस वॉल का नाम है पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन है हार्ट की, उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो पेरिकार्डियम इस हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब साइज कितना होता है हार्ट का? तो देखो भाई, जितनी आपकी मुट्ठी का साइज है, जब आप अपनी फिस्ट को ऐसे बंद करेंगे, ठीक है, तो बंद करने पे जितना साइज आपकी मुट्ठी का बन रहा है, इतना ही साइज आपके हार्ट का होता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, तो देखो भाई, चार चेम्बर कौन कौन सी है, ये देखिए आप, ये रहा आपका राइट एट्रियम। मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, ठीक है, और सुनिए ध्यान से। तो ये है आपका राइट एट्रियम। अरे भाई, ये तो कलर भी ये वाला मेरे, चलो ये है राइट एट्रियम, ठीक है। अब ब्लड आएगा, यहां से एंटर किया ब्लड, और ब्लड एंटर करने के बाद वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर यहां से बाहर निकलेगा। ये निकल गया भाई बाहर, ठीक है। यहां से बाहर निकल के कहां जाता है?
निकल के जाएंगे लंग्स के पास, और लंग्स से वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो यहाँ के बाद कहाँ एंटर करेगा? फिर इनके थ्रू, इन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ एंटर कर जाएगा, जो कि हमारा लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ के बाद फिर वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से फिर ये निकलेगा, और ये जो आपका ओर्टा है, ओर्टा से होते हुए अलग अलग आर्टरीज में निकल जाएगा। ठीक है ना? तो जो ये रीजन है, जो मैंने यहाँ पे ये रीजन बनाया है, ठीक है ना, इस रीजन को हम ओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनको हम बोलते हैं ओर्टा। ठीक है, ओर्टा कंसेप्ट समझ में आया? तो हार्ट से एकदम सीधा आर्टरीज में ब्लड नहीं जाता है, एक बहुत ही मोटी एक वेसल होती है, उसके थ्रू फिर ये अलग अलग आर्टरीज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है ना? अलग अलग आर्टरीज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो समझ में आया भाई? यहाँ से ब्लड आया, इधर से एंट्री किया लेफ्ट ऑरिकल में, उसके बाद आया ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये यहाँ से निकलता हुआ अलग अलग आर्टरीज में पहुंच गया है। ठीक है, अच्छा। और इसका क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड आया है भाई, और यहाँ राइट एट्रियम आया पहले, राइट एट्रियम के बाद इधर आ गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद इधर से होता हुआ अलग अलग जगह पर पहुंचेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अलग अलग जगह भी कहाँ? अलग अलग जगह थोड़ी, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में वापस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ये डबल सर्कुलेशन तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है, इसमें आपको राइट वेंट्रिकल कौन सा रीजन है वो पता करना है, राइट एट्रियम कौन सा वो पता चल गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, नोड्स के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा मैं। ठीक है ना? एक्स्ट्रा बताऊंगा नोड्स के बारे में। आपके सिलेबस में नहीं है नोड, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि नोड्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन सुनिए ध्यान से, ओर्टा क्या है पता चल गया, पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी का मतलब वो रीजन होता है, पल्मोनरी ऐसे रीजन होता है जो सीधा लंग से कनेक्ट होते हैं। पल्मोनरी किससे कनेक्ट होते हैं? लंग से। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम को पता चल गया, बंडल ऑफ फेस के बारे में भी बताऊंगा, वेंट्रिकल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, जो ये रीजन होता है हार्ट का, ये वाला रीजन जो इधर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ होता है, उसको हम एपेक्स बोलते हैं। इस एपेक्स की वजह से ही जो लेफ्ट लंग होता है हमारा, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा छोटे साइज का होता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है ना? अच्छा, अब आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो बच्चों ये वाला डायग्राम दे रखा है, तो सुनिए ध्यान से ये डायग्राम के बारे में सुन लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर वेना कावा से होता हुआ ब्लड आ रहा है आपके राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में, और निकल के कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक, कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज क्या होती हैं? जो हर्ट से निकलती हैं। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए बात को, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं इस चीज को आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से दिखाऊं, तो देखो होता क्या है, सुनिए ध्यान से, हो क्या रहा है यहाँ पर, वो डायग्राम आप लोगों ने समझ लेना है। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूं, तो सुनिए ढंग से। देखो बच्चों, एक तो है लंग, ठीक है, लंग्स है, लंग्स में ब्लड क्या होता है? प्योरीफाई होता है लंग्स में ब्लड। ठीक है, और हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जहां पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद ब्लड क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस ब्लड में। ठीक है ना? और इसको कौन लेके जाते हैं? वेन्स। ठीक है, अच्छा, लंग से पल्मोनरी वेन आ रही है। कौन सी वेन आ रही है? पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड लेकर के? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, क्योंकि तो लंग्स में ब्लड क्या होता है? प्योरीफाई होता है, ये लेकर के आ रहे हैं। अब ये कहाँ छोड़ेगा इसको? ये छोड़ेगा इसको राइट एट्रियम में। कहाँ छोड़ दिया इसको? इसने राइट एट्रियम में छोड़ दिया। और इसने कहाँ लेके आया इसको? ये इसको लेके आया है आपका लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी तक पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और वेन्स के थ्रू, वेन्स सभी वेन्स आकर के जुड़ के हार्ट में एक बड़ी वेन से जुड़ेंगी जिसका नाम होता है वेना कावा। ठीक है ना? इनको हम सुपीरियर ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, वेना कावा को और ओर्टा को। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या होगा? ये राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? यहाँ के बाद ये ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, कौन सा ब्लड आया? यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और यहाँ से आया है आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब होगा क्या? राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकल के जाएगा लंग्स में, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जहां पे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये निकल के जाएगा कहां पे? आपका बॉडी पार्ट्स में। कौन सा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कौन सा आया? ये आया है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है,
और ये क्या है, हार्ट से आई है, इसलिए इसको हम आर्टरी बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम सिस्टमेटिक आर्टरी, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको हम बोल रहे हैं सिस्टमेटिक वेन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने दो तरह के सर्कुलेशन पढ़े हैं, सुनिए ध्यान से कौन कौन से हैं वो दो तरह के सर्कुलेशन। तो एक तो सर्कुलेशन हमने पढ़ा है हार्ट और बॉडी के बीच में, जो कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, इसको हमने क्या बोला, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, और एक हमने पढ़ा है हार्ट, ये जो हार्ट है, हार्ट और लंग के बीच में, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में दो तरह का सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और क्योंकि दो तरह का सर्कुलेशन मिल रहा है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि फोर चेंबर हार्ट में कितना सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। कौन सा होता है, डबल सर्कुलेशन। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, और आपको पता होना चाहिए राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है, कौन सा आ रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, और कैसे कैसे सर्कुलेशन हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को याद रखेंगे और खुश रहेंगे जिंदगी में, ठीक है। अब चलते हैं आगे इसके बाद। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर आगे पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। इस सबको मैं इरेज कर रहा हूँ, और आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसको आप देख लीजिए ध्यान से, ये वाला डायग्राम आपके में दे रखा है, कैसे कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हार्ट बीट कैसे बनती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर के अंदर हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बनती है इन नोड्स के द्वारा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट जनरेटिंग ऑर्गन है, हार्ट बीट जो पैदा करता है, हार्ट बीट जहां से पैदा होती है हमारे हार्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं एस ए नोड। क्या बोलते हैं, एस ए नोड। एस ए नोड की फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। अब ये नोड होता कहाँ है, ये नोड होता है हमारे, आप देख सकते हो, ये होता है राइट एट्रियम में। कहाँ मिलता है साइनो एट्रियल नोड, ये मिलता है राइट एट्रियम में, ठीक है। अब यहाँ से बीट्स पैदा होती हैं, बीट्स यहाँ से पैदा होंगी, यहाँ से पैदा होंगी, और पैदा होते होते यहाँ आ जाएंगी। इसी राइट एट्रियम में एक और नोड मिल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं ए वी नोड। अब ए वी नोड क्या करता है, इस बीट को, जो ये धड़कन पैदा हुई है, इस धड़कन को पूरे दिल के अंदर फैलाएगा। तो इस हार्ट के अंदर धड़कने कैसे पैदा होती हैं, इन नोड्स की वजह से होती हैं, एस ए नोड और ए वी नोड। अब ये नोड होते क्या है, तो देखिए स्पेशल टिश्यूज होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, जिनको हम बोलते हैं नोडल टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यूज बोलते हैं। तो नोडल टिश्यूज की वजह से क्या जनरेट होती हैं बॉडी के अंदर, हार्ट बीट जनरेट होती हैं, और ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। और हाँ, ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ये बात आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा, आप पचा चुके होंगे, अगर नहीं पचा पाए तो कोई दुविधा नहीं है, कोई संकट, कैसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको और भी बहुत सारा ज्ञान देने वाला हूँ, तो सुनिए ध्यान से। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है, और सुनो ध्यान से। अब पढ़ रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड प्रेशर, कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है। तो देखो भाई, ब्लड प्रेशर कैसे बनता है शरीर के अंदर, ठीक है, कैसे कैसे ब्लड प्रेशर बनता है, सुनिए ध्यान से। जब ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड फ्लो जब होता है तो बाहर की तरफ एक प्रेशर जनरेट होता है। ये एसी का केस नहीं है, अगर कोई भी आप नली लेंगे मार्केट से वगैरह, कोई भी नली या फिर ट्यूब लेके आते हो, ठीक है, ट्यूब लेके आते हो और उसके अंदर पानी बह रहा होता है, ठीक है, पानी बह रहा होता है, इजीली पानी बह रहा होता है, लेकिन अगर ये ट्यूब कहीं से भी लीक हो जाए तो पानी बाहर की तरफ आता है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो ये इसके अंदर फ्लूड फ्लो हो रहा है, ये कुछ ना कुछ प्रेशर इस वॉल पर लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर इस वॉल पर लगा रहा होगा, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ इस आर्टरी में या वेन में, इस आर्टरी में या वेन में फ्लूड फ्लो हो रहा है, कौन सा फ्लूड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड भी तो एक फ्लूड है ना, तो ये जो ब्लड है ये एक प्रेशर लगा रहा होगा किसकी तरफ, इन वॉल्स ऑफ आर्टरी या वेन की तरफ,
इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि ये प्रेशर किस में ज्यादा होता है, आर्टरी में ज्यादा होता है या वेन्स में ज्यादा होता है, ये बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और ये बात भी याद रखना, इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए हमारे ब्लड वेसल में इलास्टिक मसल्स होती हैं, ठीक है ना, क्या होती है यहाँ पर, इलास्टिक मसल्स होती हैं, तभी ये प्रेशर कंट्रोल हो पा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल ये एनसीईआरटी कुछ टर्म लाइंस है जो मैं आपके सामने बता देता हूँ क्या क्या है। तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन दी सबसे पहले, तो एक फोर्स है जो कि एग्जर्ट होता है वॉल्स के अलोंग, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आर्टरी में बहुत ज्यादा होता है, वेन्स में बहुत कम होता है, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है सिस्टोल और डायस्टोल का, ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल का एक कॉन्सेप्ट आया है, तो सुनिए ध्यान से क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूंगा स्लाइड्स में, ठीक है। तो यहाँ देखो, वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और ऑरिकल वाले जो हिस्से हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, छोटे से हिस्से हैं ऑरिकल, ठीक है। तो जो ब्लड की पंपिंग का काम होता है ना, जिसकी वजह से ब्लड पंप हो पाता है, तो वो मेनली वेंट्रिकल वाला पोर्शन करता है। तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स स्टेट पे रहेंगे, रिलैक्स का मतलब जब इसके अंदर ब्लड नहीं होगा, तो रिलैक्स स्टेट का मतलब है डायस्टॉल, क्या है, डायस्टॉल, याद रखना मैं टर्म बता रहा हूँ, डायस्टॉल और सिस्टॉल क्या है। और जब वेंट्रिकुलर पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब जब ये ब्लड को अपने अंदर से बाहर की तरफ फेंकेंगे, मतलब जब ब्लड ऐसे है, ठीक है, अभी वेंट्रिकल रिलैक्स है, ब्लड आ गया इसके अंदर, लेकिन जब ये छोटे होंगे तभी तो ब्लड ऊपर की तरफ निकलेगा, तभी तो ऊपर की तरफ निकलेगा ब्लड। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टॉल, क्या बोलते हैं, सिस्टॉल, ठीक है ना। तो जब वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो उसको डायस्टॉल बोल रहे हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको सिस्टॉल बोल रहे हैं। आई होप आप इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, अच्छा, तो जो ये ब्लड प्रेशर हम मीजर करते हैं वो वेंट्रिकल की वजह से ही हम मीजर कर पाते हैं। अगर किसी का वेंट्रिकल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है, उसके बीपी में प्रॉब्लम आएगी, बीपी में एयर आएगा उसके में। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ये तो आप समझते होंगे, मेरा बीपी मतलब बड़ा, ऐसे डायलॉग आपने बहुत सुने होंगे, है ना। अच्छा जी, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, डायस्टोल मतलब रिलैक्स और सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया था। अच्छा, तो रिलैक्स पर प्रेशर कम रहता है हमेशा, रिलैक्स पर प्रेशर कम है क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया कम, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए, सिस्टोल का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और यहाँ पर हो रहा है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, अब जिस डिवाइस से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, उस डिवाइस का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये स्पेलिंग और मशीन का नाम सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक टर्म दे रखी है, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, जब बोलते हैं ना बीपी हाई, एक गाना भी है शायद बीपी हाई, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो जो बीपी हाई होता है शरीर में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है ना। और ये कैसे होता है, हाइपरटेंशन हुआ कैसे, हाइपरटेंशन हो रहा है कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल। जब आर्टरियोल क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे, जब उनका एरिया कम हो जाएगा, आप खुद बताइए, जब पहले मान लो डायमीटर ये है, और डायमीटर अगर अब और छोटा हो गया है, तो एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, जब मैं आपको प्रेशर का फॉर्मूला बताया था। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो प्रेशर इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि 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 आर्ट्रियोल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा, अब देखो इसके बाद, अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ब्लड फ्लो में, और बीपी बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से कई बार क्या हो जाता है कि आर्टरी जो है वो फट भी जाती है, और शरीर के अंदर ही अंदर में ब्लड फ्लो होने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है शरीर के अंदर में, ठीक है। तो ये टर्म थी जो मुझे बताई थी, और आई होप आप इन चीजों को याद रखेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, और मैं आपको बढ़ाता हूँ ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मल इतना होना चाहिए, अगर आपने थोड़ा सा रनिंग वगैरह की है तो इतना हो जाएगा, और अगर आपका बीपी हाई है, स्टेज वन की हाइपरटेंशन ये होता है, स्टेज टू का ये होता है, स्टेज थर्ड का ये होता है, मतलब जब इंसान मर ही जाएगा पता नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपका बीपी हो रहा है 140 से ज्यादा, ठीक है, 140 से ज्यादा अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। सिस्टोल और डायस्टोलिक प्रेशर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एचजी मतलब मरकरी होता है, ठीक है, प्रेशर को हम मरकरी के टर्म में नापते हैं। आप जब स्फिग्नोमैनोमीटर को देखेंगे
तो आप देखेंगे उसमें ना पारा भरा हुआ होता है। पारे को हम मरकरी बोलते हैं, और पारा जितना मिलीमीटर चढ़ता है उसी हिसाब से हम प्रेशर की रीडिंग निकाल लेते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि सर कैसे मरकरी का रिलेशन क्या है प्रेशर के साथ, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग डाउट क्लास दे दूंगा, पर पूछना इसके लिए पहले मेरे से, ठीक है? अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है लिम्फ का, ठीक है? अब लिम्फ के कॉन्सेप्ट को हम ढंग से समझते हैं, मैं खुद को हाइड कर देता हूँ, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, लिम्फ क्या होता है। तो देखो भाई, जहां पर कैपिलरी होती है ना, कैपिलरी कौन सी जगह होती है जहां पर आर्टरी और वेन्स आके मिलती हैं, तो कैपिलरी से कुछ फ्लूड बाहर निकल के आ जाता है, कुछ फ्लूड बाहर निकल के आ जाता है इनमें से। लेकिन क्या क्या चीजें बाहर नहीं आएंगी वो याद रखना, आरबीसी बाहर नहीं आएंगी, ठीक है ना? बाहर क्या जाएगा, डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाएगी, ठीक है? और कुछ प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगे, प्लाज्मा बाहर आ जाएगा, ठीक है? डब्ल्यूबीसी बाहर आ गया, प्रोटीन बाहर आ गया, प्लाज्मा बाहर आ गया। अगर किसी को बताओ डब्ल्यूबीसी क्या काम करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, ठीक है ना? किसी भी बीमारी से या पैथोजन से हमें बचाते हैं, किसी भी बीमारी या बीमारी फैलाने वाले एजेंट, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को ही हम पैथोजन बोलते हैं, डिसीज कॉजिंग एजेंट को, ठीक है ना? तो इनसे हमें डब्ल्यूबीसी बचाती है, जिसकी वजह से हम बीमारी से उभर पाते हैं, ठीक है ना? तो ये सब आ जाता है बाहर, प्रोटीन आ गया, प्लाज्मा आ गया, डब्ल्यूबीसी बाहर आ गई। अब ये बाहर आ करके एक एक वेसल, एक अलग टाइप की नली है शरीर में, वहां पर आके इकट्ठा हो जाएंगे, ये सब जो वहां से निकल के आया है वो सब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अब जो ये सामान आकर के एक वेसल में इकट्ठा हुआ है, इसी को हम लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं, ठीक है ना? लिम्फ याद रखेंगे, लिम्फ कहाँ से बनता है, ब्लड से ही लिम्फ बनता है। लेकिन इस लिम्फ के अंदर क्या नहीं होगा, आरबीसी नहीं होगा बस, बाकी सब चीजें भी होंगी, डब्ल्यूबीसी भी होगी, प्रोटीन भी होगा, प्लाज्मा भी होगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी जितना आपके ब्लड में मिल रहा है उससे कम मिलेगा, प्रोटीन भी कम मिलेगा और प्लाज्मा भी थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है? समझ में आया? तो ये थोड़ा 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 सा बाहर निकल के आ गया है, और इन्होंने एक अलग तरह का फ्लूड बना दिया है जिसके अंदर आरबीसी बिल्कुल भी नहीं है, और उसको हम बोल रहे हैं लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, लिम्फ के लिए एक और टर्म दी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टीशियल फ्लूड बोलते हैं। लिम्फ के लिए एक और टर्म है इंटरस्टीशियल फ्लूड, ठीक है ना? याद रखना। फिलहाल इसको इंटरस्टीशियल फ्लूड बोल भी क्यों रहे हैं, तो देखो भाई, ये जो सेल के, देखो मैंने आपको बताया था कैपिलरी जो है वो सिंगल सेल से ही बनी हुई है, सिंगल सेल की एक लेयर है। तो कई बार इन लेयर, इन जो सिंगल सेल है इनके बीच में एक स्पेस रह जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटर सेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, इसमें से कुछ तो बाहर आएगा। अब जो भी ये बाहर आ रहा है, बाहर आकर के इकट्ठा हो रहा है एक वेसल के अंदर, ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल, और इस फ्लूड को हम बोलेंगे लिम्फ, ठीक है? तो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लिम्फ कैसे बनता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अब जब ये एक वेसल में इकट्ठा हो गया, आप देख सकते हो मैंने साइड में एक डायग्राम दिखा रखा है इधर की तरफ, कि इस लिम्फ वेसल का पूरा नेटवर्क शरीर के अंदर बना हुआ है। अब कई कई जगह पर आकर के जो लिम्फ होता है वो इकट्ठा हो जाता है। आप बीच में डॉट्स देख रहे होंगे, डॉट्स रेड कलर के डॉट्स देख रहे होंगे आप, ठीक है ना? तो इनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो मैं कुल मिला के आपको ये बताऊं कि हमारे शरीर में एक लिम्फ का पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर लिम्फ से बना हुआ एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और इस लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा नाम आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे वाह मोदी जी वाह, ठीक है? तो सुनो, लिम्फेटिक सिस्टम का एक पूरा, लिम्फ का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है हमारे शरीर में, जिसको हम बोले लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा नाम होता है इम्यून सिस्टम। क्या होता है? इम्यून सिस्टम, ठीक है ना? अब इम्यून सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये सब चीजें आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है? अभी बुद्धि मत लगाओ, ठीक है? तो एक इम्यून सिस्टम क्या काम करता है, यही तो हमें बीमारी से बचाता है। तो समझ में आया कि लिम्फेटिक सिस्टम किससे बनता है? ब्लड से ही बनता है, और कैसे कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? लिम्फ, क्लियर है?
और कुछ ऑर्गन्स के अगर आपको नाम याद रखने हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स के क्या क्या नाम है, तो देख लो, थाइमस, स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस, बोन मैरो, ठीक है ना, और लिम्फेटिक वेसल, तो आप जानते ही हो, ठीक है, ये सब नाम है हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट्स के। तो इम्यून सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम को इम्यून सिस्टम बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा क्या क्या? एक तो आएगा लिम्फ आएगा, ठीक है, लिम्फ आ गया, लिम्फ की वेसल आ गई, और लिम्फ के नोड्स आ गए, और आ गए हमारे लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन और लिम्फ नोड एक ही चीज है, कुछ बुक्स में ऐसे बता रखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हुए। तो लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल है, और लिम्फोइड ऑर्गन है, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, जिसको कि हम इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आप इस बात को याद रखेंगे, हम एकदम टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम? तो बताओ भाई, कौन कौन से कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के? तो ये तो आप बता ही सकते हो बहुत ही आराम से, मैंने आपको ये चीज यहाँ बताई थी, ये है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि आप जानते हो, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में जो एक इसका पार्ट वन है उसमें आपने देखा होगा, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों जरूरी बन जाता है मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर? तो देखो भाई, इसलिए जरूरी बन जाता है मैमल्स और बर्ड्स, क्योंकि ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं हम लोग, और हमें अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने के लिए, हमें अपना बॉडी टेम्परेचर, जैसे मान लो मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें ये चीज मेंटेन करने के लिए लगातार लगातार रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, और सप्लाई इतनी चाहिए कि मुझे बिल्कुल भी इसमें मिलावट भी नहीं चाहिए, जितना मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मुझे सप्लाई चाहिए, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा, या फिर मैमल्स और बर्ड्स की बॉडी नहीं चाहेंगी कि उनके ब्लड में कोई भी मिलावट हो, मिक्सिंग हो। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जो 4 चैम्बर हर्ट है, वो सेपरेट रखता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, व्हाई व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट? तो आपको पता ही है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जाइल, इनका वेस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है ना, वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बताना है यहाँ पर, जाइलम फ्लोएम के बारे में बताना है, और यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो भाई, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, ठीक है ना, मैंने आपको जाइलम के बारे में कॉन्सेप्ट बताए थे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट का, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके बारे में मैंने फ्लोएम का कॉन्सेप्ट बताया होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है फ्लोएम के कॉन्सेप्ट के बारे में, और यहाँ पर हमें बताना है जाइलम के कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। बस यही क्वेश्चन पूछे गए थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी करना, क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, रटना नहीं है, अपने वर्ड से खुद से जवाब दे के देखो एक बारी, और नहीं मिलता तो नेट पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं थियरी फॉर्म में, रटना है तो रट लीजिए, ठीक है ना, जो कि काम आप शायद करते भी हो, लेकिन मैं रटाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसके आंसर डिजाइन करें, क्योंकि आपने मेरे लेक्चर प्रॉपरली देखे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का सेकेंड पार्ट था, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लेना, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, कि हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो खत्म करते हैं लेक्चर, ठीक है, खुश रहें और खुश रहने दें।